सोचता हूँ अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और जहीद भाई जा रहे हैं मार्गला हिल्स। एक न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि मार्गला हिल्स में पिछले 3 रोज़ से आग लगी हुई है, तो हम लोग जो है ना उसी को देखने जा रहे हैं। वीडियो भी भेजी थी और मैंने अपने चैनल पे वो वीडियो लगाई भी है, और इंशाल्लाह ताला आपको इस व्लॉग में भी उस वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा और वीडियो भी इसमें डाल दूँगा। अभी चलते हैं मार्गला हिल्स की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर आग की, और रेस्क्यू की जानिब से क्या काम हो रहा है वहाँ पर, और जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर देंगे और इसी व्लॉग में। शुक्रिया। अभी जहीर जा रहे हैं आगे, वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि मतलब कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर आग लगी हुई है।
इस वक्त दामलेपुर पॉइंट पर मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ एक म्यूजिशियन का ग्रुप बैठा हुआ है, तो उनसे हम लोग जो है ना कव्वाली सुनते हैं। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने सुधा भुआ की दुकान पे तुम्हें देखा है। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं पे होने से चले बादे नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, जैसे सहरा जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या
तो कितना चार्ज करते हैं पर डे या पर इवेंट के साथ? कितना होता है पर इवेंट का? होता है 40,000-30,000। पूरा बैंड होता है 15-16 बंदे। अच्छा। आजकल तो खान साहब ने हमें इतना सही किया हुआ ना कि क्या बताएं। अच्छा, आप अभी टैक्स लगा दिए क्या? सर मैं कहता हूँ इतने टैक्स लगे हैं कि इवेंट ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तभी तो ऐसे बैठना पड़ रहा है यहाँ पे, हमें ऐसा करना पड़ रहा है। नहीं तो आप क्या कहते हैं कि पर डे होने चाहिए ना, लाजमी होने चाहिए। शादी ब्याह के इवेंट नहीं होंगे तो हम लोग कवाली कहाँ से करेंगे? गवर्नमेंट को क्या मदद करना चाहिए? गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि प्लीज सब लोगों का भला करे, हमारा भी भला करे। शादी हॉल ओपन किए जाए, जितने भी मतलब इवेंट्स के जितने भी एरिया सारे ओपन किए जाए, और एक लिमिट भी होनी चाहिए। कोरोना चल रहा है इस्लामाबाद में। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दें अगर कोई आपसे कॉन्टेक्ट। जी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 0300-5568-352 और इस्लामाबाद में ही रहते हैं हम, G10 में। और किसी को भी कॉन्टेक्ट करना हो तो मेरी फेसबुक भी है DSF के नाम से, प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें हमें, और लाइक भी करें और शेयर भी करें इन भाइयों। जी, जी आपने एक गाना सुना वो जानम फिदाए है? जी बिल्कुल सुना होता है। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली। हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, गम से बकाए हैदरी या अली अली अली। ठीक हो गया, थैंक यू, मेहरबानी बहुत। अच्छा, जो पीछे आपको पहाड़ी दिखाई थी वो
पहाड़ी थी जहाँ पर एक एयर ब्लू का त्यारा क्रैश हुआ था और ऑलमोस्ट के जितने भी पैसेंजर थे उसके सबकी डेथ हो गई थी और काफ़ी मार्गला इस माशाल्लाह एक तोहफा है पाकिस्तान के लिए। बेहद खूबसूरत है ये जगह, पुरसकून और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। और इसमें मतलब अगर आप आकर देखें तो इसमें कहीं पर भी आपको जो है ना मतलब हर जगह आपको अल्लाह नज़र आएगा और उसकी कुदरत इस कदर खूबसूरती, इस कदर हसीन ये पहाड़ी से हिस्सा है मार्गला है इसका, जो कि इस्लामाबाद के बीचों बीच वाक़ है। आज हम लोग इसलिए आए थे मतलब कि यहाँ पर जो है ना हमें कुछ पता चला था कि आग लगती है ना कहीं पर, बहरहाल हमें वो पॉइंट नहीं मिला जहाँ पर आग लगी है क्योंकि वो काफ़ी दूर करके होगा हरिपुर वाली तरफ, तो वहाँ तक हम लोग नहीं जा सके। और आग लगने की जो है ना बेसिकली बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, मतलब पहले तो ये कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ट्रैवल करने के लिए और अक्सर लोग क्या करते हैं कि मतलब वो सिगरेट पीते हैं ना, तो मतलब सिगरेट ऐसे ही उन्होंने जला हुआ है जो है ना बस ख़त्म हुआ और फेंक दिया यार, मतलब तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं अपने ही मुल्क के साथ, मतलब आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो कुछ नाश होती है यहाँ पर, आप लोग जो है ना मतलब कोई भी मतलब सिगरेट जलाते हैं, जली हुई सिगरेट जो है ना आप जब आपका काम ख़त्म हो जाता आपने पी ली आप फेंक दिया यार, ये चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं आती। कम से कम मतलब अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो एक तो सफाई का ख्याल रखा करें, दूसरा ये है कि अगर आप कुछ सिगरेट पी रहे हैं या कुछ भी ऐसी कोई माचिस है आपके पास तो खुदा के लिए मतलब उसकी तीली या सिगरेट जली हुई जो है ना वो ना फेंका करें, पहले उसको बुझा लिया करें और फिर उसको फेंका करें ताकि जो है ना मार्गले इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि यार एटलीस्ट हम लोग जो है ना मतलब अपने मुल्क को सपोर्ट कर सकें और अपने मुल्क की खूबसूरती में जो है ना मजीद इजाफा करें, अच्छे अच्छे पौधे लगाएं खुद से ही और ऐसे पिकनिक पॉइंट्स को साफ रखें, बाकी ऐसे भी फॉलो किया करें। मेरा दिल तो सीना अली जानम फिदा हैदरी या अली अली अली। हम लोगों ने जो सॉन्ग गाया मतलब ये इतना एक्यूरेट नहीं है, जो भाई से जिनकी अभी हमने वीडियो की थी नारल उन्होंने जो गाया था वो मतलब टोटली आउटस्टैंडिंग था, आउट क्लास था और बेहतरीन आवाज़ थी। और मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा कि यार एटलीस्ट अपने पाकिस्तान में हम लोगों के टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, अगर कमी है तो वो सिर्फ सपोर्ट की कमी है कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते बेसिकली, पहली बात तो ये है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि यार मतलब आप सपोर्ट किए करें ऐसे टैलेंट को, और म्यूज़िशियन का एक ग्रुप था और बहुत ही अच्छी उनकी वॉइस थी और मैं मतलब तहे दिल से मतलब उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि वाकई ही मैं माशाल्लाह उनकी आवाज़ जो थी आउटस्टैंडिंग थी, आउट क्लास थी और उन्होंने जो गाने गाए वो इंतहाई मुश्किल गाने थे जो आम लोग नहीं गा सकते। अभी मैंने और ज़हीर भाई ने ट्राई की बट आप लोग मतलब खुद ही डिसाइड कर लें कि मतलब हम लोगों की वॉइस में और उस क्वालिटी में क्या फ़र्क था, और कमेंट सेक्शन में हम लोगों को ज़रूर बताइएगा कि मैंने और ज़हीर भाई ने कैसा गाना गाया, आप लोगों को पसंद आया या नहीं। और बाकी आपने सपोर्ट करना है उस टैलेंट को जो म्यूज़िशियन का ग्रुप हम लोग पीछे कवर कर आए हैं, तो आप लोग काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पेजेस पे और डिफरेंट ग्रुप्स में
ताकि मतलब हम लोग अपने टैलेंट को जो है ना पाकिस्तान में जो टैलेंट है हम लोग उसको सपोर्ट करें और वीडियो आगे से आगे जानी चाहिए। ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने रोकना नहीं है और इस टैलेंट को आपने सपोर्ट करना।